अरे अब तुम डरा दिया ना मुझे। अरे और तुम डर गई? क्या है ये? कैसा लगा? अच्छा है। तो जाओ चेंज कर लो। ठीक है आती हूँ। अरे वहाँ कहाँ जा रही हो? यहाँ चेंज कर लो, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, मुझसे क्या शर्माना। बहुत रोमांटिक हो रहे हो आज। अरे आ गए आप लोग। जैसे लिपस्टिक का हक सिर्फ होठों पर होता है, वैसे ही औरत के होठों पर हक सिर्फ उसके पति का होता है। लेकिन क्या होगा अगर उस होठों पर कोई दूसरा आदमी अपना हक जमाए, या फिर उसका पति किसी और की औरत के होठों पर अपना हक जमाए? इसे कहते हैं वाइफ स्वैपिंग। आज की हमारी कहानी वाइफ स्वैपिंग पे ही आधारित है। आइए देखते हैं। गुप्त गुनाह बंद दरवाजे के पीछे। आदित्य, आदित्य। यस सर, आपने बुलाया? हाँ। क्या ये तुम्हारे पिछले मंथ की सेल है और ये इस मंथ की? ये सेल अचानक से डाउन कैसे हो गई? ध्यान कहाँ है तुम्हारा? सर वो पिछले महीने में कुछ दिनों के लिए लीव पे था ना, इसलिए थोड़ा सा क्या? ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, कंपनी की प्रॉब्लम नहीं है ये। अगर ऐसे ही चलता रहा ना, तुम्हारी जगह कोई दूसरा एम्प्लॉई अपॉइंट करना पड़ेगा मुझे। सर आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? आप सिर्फ मेरी लास्ट मंथ की सेल देख के मुझे जज नहीं कर सकते। इससे पहले मैं कंपनी का टॉप परफॉर्मर था। तो अगर थे तो तुम्हें उसका फायदा भी मिला, कोई एहसान नहीं किया तुमने कंपनी के ऊपर। और ये मत भूलो, तुम जो करते हो उसके बदले कंपनी तुमको हैवी सैलरी देती है। सर मैं एहसान की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ। सर मैं तो बस ये कहना चाहता हूँ कि कंपनी की ग्रोथ के लिए मैंने अपना खून पसीना एक किया। शट अप आदित्य, डोंट आर्ग्यू विद मी। एक बात हमेशा याद रखना, मुझे सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट दिखाई देता है, और दोबारा मुझसे ऐसी बात करने की कोशिश की ना, आई विल फायर यू। अंडरस्टैंड? यस सर। नाउ यू गेट लॉस्ट। आई एम सॉरी। क्या हुआ? बॉस इतना भड़क क्यों रहा था? कुछ नहीं यार, दिमाग खराब कर दिया सो कॉल्ड बॉस ने। अरे बॉस सैलरी देता है यार, वो तो बोलेगा ही ना, तू उसकी बातों को दिल पे क्यों ले रहा है? अच्छा एक बात बता, आज शाम को मेरे साथ चलेगा क्या? बोलना चलेगा क्या? यार तू अकेले चले जा, मेरा दिमाग सच में बहुत खराब है। तभी तो बोल रहा हूँ मेरे साथ चल, जन्नत की सैर करवाऊंगा तुझे, ऐसी जगह लेकर जाऊंगा तुझे कि तेरा मूड और तबीयत एक मिनट में फ्रेश हो जाएंगे। और कहाँ है तेरी ये जन्नत? अरे यहीं, इसी धरती पर। तूने मूनलाइट क्लब के बारे में सुना है? हर रोज मैं ऑफिस के बाद वहीं जाता हूँ। अरे वहाँ पर वाइफ स्वैपिंग का गेम भी चलता है। मतलब बीवियों की अदला बदली। अबे तू ये क्या बोल रहा है, ऐसा कुछ भी होता है? लेकिन तू तो साले अनमैरिड है ना? हाँ मैं अनमैरिड हूँ, ये बात तुझे पता है, ये बात मुझे पता है, बाकी सबको थोड़ी पता है। और मैं जुगाड़ लगा लेता हूँ,
अपनी गर्लफ्रेंड को वाइफ बना के एंट्री करा लेता हूँ, वो भी मजे कर लेती है और मैं भी मजे कर लेता हूँ। लेकिन तू पागल है क्या यार, मैं शादीशुदा हूँ। हाँ मुझे मालूम है तू शादीशुदा है, भाभी है घर पे। अच्छा एक बात बता, तू ये डेली डेली दाल चावल खा के पकता नहीं है क्या? अरे कभी बिरयानी भी टेस्ट कर यार। तू सुन, तू ना तेरी बिरयानी खुद खा ले, ठीक है? आई एम नॉट इंटरेस्टेड, अब तू जा यहाँ से। चल कोई नहीं, तेरी मर्जी, मैं चला अकेले दावत उड़ाने। बीवियों की अदला बदली, तेरी बीवी किसी के साथ, किसी की बीवी तेरे साथ। क्या हुआ, इतने परेशान क्यों लग रहे हो? नहीं नहीं कुछ नहीं। ऑफिस में सब ठीक है ना? हाँ हाँ सब ठीक है। वो मेरा कलीग है ना श्याम, तो वो बता रहा था क्लब मूनलाइट के बारे में। मूनलाइट? क्या आगे तो बताओ क्या? मतलब कि क्लब मूनलाइट में बिरयानी बहुत अच्छी मिलती है, तो इसलिए वो बस यही बता रहा था। तो मैंने सोचा हम कभी ट्राई कर सकते हैं। ठीक है चल लेंगे कभी। हाँ वैसे भी तुम रोज रोज दाल चावल खा के बोर हो गई होगी, कुछ नया ट्राई कर लेंगे हम। तो तुम बताओ कब चलना है बाहर? अरे आराम से जनाब, मुझे नहीं पता था आपको बिरयानी इतनी पसंद है। हाँ बिरयानी तो मुझे बहुत पसंद है, बट हाँ वहाँ कुछ और भी होता है। क्या होता है? वहाँ हमारे जैसे और भी कपल्स होते हैं, और कोई भी पति किसी भी पत्नी के साथ या कोई भी पत्नी किसी भी पति के साथ रात गुजार सकती है। छी ऐसे घटिया लोग हैं, मतलब शर्म नहीं आती क्या उन्हें ये सब करते हुए? मुझे नहीं खानी ऐसी कोई बिरयानी, ठीक है? और वो शाम भी जाता है क्या वहाँ पर? नहीं नहीं वो थोड़ी ना जाता है, वो तो बस ऐसे ही बता रहा था मुझे, वो तो शादीशुदा भी नहीं है। तो तुमसे क्यों कर रहा है ये सब बातें? वो तो यार मेरा कलीग है, तुम मुझसे शेयर करता रहता है। लेकिन मैं सोच रहा था तुम भी सोच सकते। बकवास बंद करिए, ऐसी घटिया बातें ना मुझसे दोबारा करना मत, और वो शाम है ना उससे दूर रहिए। हे भगवान कैसे गंदे गंदे शौक होते हैं लोगों के, मुझे तो समझ में ही नहीं आता। और हाँ आज अपना दूध खुद गर्म करके पी लेना। अरे सीमा नाराज क्यों होती हो, सुनो तो। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपके और सिर्फ आपके प्रिया गमरे। गुप्त गुनाह के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम आए हैं फिर से एक नई कहानी लेकर। दौलत शोहरत और रंग बदलते इस शहर में जब आदमी काम के बोझ तले दब जाता है, तो अपने दिल और दिमाग को तनाव से दूर रखने के लिए कई ऐसे गलत कदम उठाता है जो उसकी जिंदगी के लिए बड़ा सबक बन जाता है। इस कहानी में आदित्य भी कुछ ऐसे ही हालातों से गुजर रहा है। आइए देखते हैं आदित्य की कहानी। सुन श्याम, बिजी है क्या? नहीं नहीं बता। इधर आना थोड़ी देर के लिए। हाँ बोलना। सुन कल तूने पूरी बात बताई नहीं, तू तो साले अनमैरिड है ना, तो क्लब में कैसे जाता है? ओहो साले बिरयानी खाने की आग लगी गई ना, मुझे मालूम था यार एक आदमी कब तक घर की दाल रोटी से काम चलाता रहेगा, कभी ना कभी तो बिरयानी खाने का मन करता ही है ना। अच्छा इस बारे में तेरी भाभी से बात हुई थी क्या? यार हुई थी, लेकिन क्या बताओ यार वो थोड़ी नहीं कुछ ज्यादा ही सती सावित्री टाइप से। अब मैं तो रेडी हूँ यार, लेकिन मुझे नहीं लगता वो मानेगी। ओहो तेरी कंडीशन ही मेरी तरह हो गई है। मतलब ये
भाभी मान नहीं रही है। हाँ। मेरी बीवी है नहीं, तो जिस तरीके से मैं जुगाड़ लगाकर काम चला रहा हूँ उसी तरीके से तुझे भी अपनी जुगाड़ लगाकर काम चलाना पड़ेगा। यार तू क्या बोलना चाहता है, सीधे सीधे बोलना। देख तुझे मालूम है, मुझे मालूम है कि मैं कुंवारा हूँ, है ना? भाभी मान नहीं रही है तो मैं कैसे जुगाड़ लगाकर अपनी गर्लफ्रेंड को वाइफ बना के एंट्री करता हूँ? वैसे ही तुझे भी जुगाड़ लगानी पड़ेगी। हाँ यार, लेकिन मैं तो ऐसी कोई लड़की को जानता ही नहीं यार। अरे तो टेंशन क्यों ले रहा यार, अभी हम जिंदा हैं, सब जुगाड़ लगा लेंगे अपने भाई के लिए। कैसी लगी? अच्छी है, ब्यूटीफुल। ये रोजी है और ये मेरा दोस्त आदित्य। हेलो। हेलो। आज तुम्हें इसकी वाइफ बनना है। ओके। ठीक है, तो चिंता मत कर, ये सब संभाल लेगी, इसे बहुत एक्सपीरियंस है। ठीक है। ठीक है रोजी। ठीक है, sure. चल, गुड लक। ठीक है, थैंक्स। चले। थैंक यू। चीयर्स। मेरा छोड़ो, तुम बताओ, तुम यहाँ? वो बस ऐसे ही, हम तो ऐसे ही। अब मैं समझ रहा हूँ कि तुम्हारी परफॉर्मेंस डाउन क्यों जा रही है, यही सब करते रहते हो। डार्लिंग, तुम ये क्या कर रहे हो? ये तुम्हारा ऑफिस नहीं है, दिस इज आवर फन टाइम। ओह आई एम सो सॉरी, मेरी वाइफ नैंसी। ओह हेलो मैम। हाय, डोंट कॉल मी मैम। वैसे तरुण डार्लिंग, तुमने कभी बताया नहीं कि तुम्हारे इतने क्यूट क्यूट एम्प्लॉयज भी हैं। बाय द वे, ये मेरी वाइफ सीमा। इनका कहने का मतलब है कि ये इनका निकनेम है ना। कब से आ रहे हो तुम दोनों यहाँ पे? एक्चुअली सर, हमारा फर्स्ट टाइम है ना? हाँ। वैसे इन्हें देख के तो लगता नहीं, लेकिन तुम्हें मेरा एम्प्लॉय पसंद आ गया ऐसा लगता है। यस, राइट चॉइस। तो ठीक है, लेट्स एंजॉय। यस। Yep. घर की मुर्गी दाल बराबर, ये कहावत उन मर्दों के लिए है जिनको अपनी बीवी से ज्यादा दूसरों की बीवी पसंद आती है। और वाइफ स्वैपिंग इन मर्दों के लिए जैसे कि एक वरदान है। अगर देसी भाषा में कहा जाए तो वाइफ स्वैपिंग का मतलब होता है बीवियों की अदला बदली। जी हाँ, कई सारे मेट्रो सिटीज में इसका काफी चलन है। हमारी कहानी में आदित्य का बॉस तरुण खन्ना और उसकी बीवी नैंसी, उन दोनों के लिए वाइफ स्वैपिंग एक आम बात थी, लेकिन आदित्य के लिए इसे फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस करना बहुत ही बड़ी बात थी। अपने बॉस को धोखा देकर आदित्य ने नैंसी को तो खुश कर दिया, पर सोचने वाली बात यह है कि जब आदित्य के बॉस को उसकी असलियत के बारे में पता चलेगा तो उसका रिएक्शन क्या होगा। तो आइए देखते हैं कि आदित्य अपने इस झूठ को अपने बॉस से कब तक और किस तरह छुपा पाएगा।
कल रात नैन्सी तुम्हारी परफॉर्मेंस की बहुत तारीफ कर रही थी। ऐसा क्या कर दिया भाई? सर ऐसा कुछ नहीं किया, वो तो बस नेचुरल था। और तुम्हारी बीवी रोजी क्या कह रही थी मेरी परफॉर्मेंस के बारे में? वो भी काफी खुश थी। मैं सिर्फ खाना देने आई हूँ अपने पति को। अब ये कौन आ गया? मैं चेक करता हूँ सर। सर मीटिंग में है। मैं कुछ नहीं जानती, आप अभी के अभी बुलाइए उनको। सीमा तुम यहाँ? अरे आपको काम के अलावा कुछ सोचता भी है नहीं, टिफिन घर पे भूल गए थे और फोन भी नहीं उठा रहे मेरा। सीमा तुम्हें यहाँ आने की क्या जरूरत थी? मैं खाना ऑनलाइन ऑर्डर कर लेता ना। अरे ऐसे कैसे ऑनलाइन ऑर्डर कर लेते, आपकी बीवी है तो आप किसी और के हाथ का खाना कैसे खाएंगे? शांत, ये ऑफिस से हमारा घर नहीं है। तो ऑफिस आदित्य, सही तो कह रही है तुम्हारी बीवी, आखिर बीवी के होते हुए किसी और के हाथ का खाना कैसे खा सकते हो तुम? सीमा ये हमारे बॉस। ओह नमस्ते सर जी। नमस्ते। वैसे अपनी बीवी से कभी तारुफ नहीं कराया तुमने? उस दिन तो अब वो घर में बिजी रहती है ना, टाइम नहीं मिलता इसलिए। अच्छा, खाना खाने के बाद केविन में आके मिला जरा। बाय। जी सर। सुनो। हाँ? खाना खा लेना ठीक है, मैं चलती। हाँ हाँ, तुम ध्यान से घर पहुंचो। बाय बाय। सर आई एम रियली सॉरी, जो भी हुआ। मुझे नफरत है उन लोगों से जो मुझे धोखा देते हैं, और तुमने मुझे धोखा दिया है। तुमने मेरी बीवी का इस्तेमाल किया है और मुझे दो टके की राह चलती लड़की पकड़ा दी। सर उस वक्त मैं मजबूर था। और शट अप आदित्य। सर मैं सच कह रहा हूँ, आप मेरी बात समझने की कोशिश करिए। मुझे नहीं पता था कि आप उस वक्त क्लब में रहेंगे। मैं तो बस एक्सपीरियंस करना चाहता था, इसलिए उस लड़की को हायर किया था, और इसी बीच हमारी मुलाकात हो गई। मैं कौन हूँ? आई एम द बॉस, और मैं तुम्हारा भी बॉस हूँ। तुमने मेरी बीवी का इस्तेमाल किया है और मुझे दो टके की राह चलती लड़की जिनको मैं मुंह नहीं लगाता मुझे पकड़ा दी। वो तो अच्छा हुआ तेरी वाइफ आज यहाँ गई, वरना तेरा ये राज हमेशा राज ही रहता। सर आई एम रियली वेरी सॉरी। सॉरी को डाल ले तू अपनी। सॉरी से काम नीचे लगा देते। क्लब के रूल के मुताबिक मैंने अपनी बीवी तेरे साथ भेजी, और तू भी अब अपनी बीवी को मेरे साथ सोने के लिए राजी कर। सर आप ये क्या बकवास कर रहे हैं, इम्पॉसिबल है। अगर मेरी बीवी राजी होती तो मैं क्यों किसी और लड़की को क्लब साथ ले जाता? ओहो अच्छा, तो आप अपनी बीवी को राजी नहीं करेंगे तो मजबूरन मुझे तुम्हें नौकरी से निकालना पड़ेगा। नहीं सर ये गलत है। अच्छा गलत है, गलत करने की शुरुआत किसने की थी? तुमने। और अब देख आगे मैं कितना गलत कर सकता हूं। जा सकता है, गेट आउट। आदित्य आजकल ऑफिस से आने के बाद इतने परेशान क्यों रहते हो? मेरे ऑफिस आने से इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो गई क्या? अरे नहीं सीमा, वो बात नहीं है। मैं तो बस प्रमोशन के बारे में सोच रहा था। ऑफिस में सबका प्रमोशन हो रहा है, लेकिन एक बस मैं ही हूँ जिसका प्रमोशन नहीं हुआ अब तक। तो तुम्हारा प्रमोशन क्यों नहीं हो रहा है? तुम तो इतना अच्छा बिजनेस ला कर देते हो कंपनी को। सीमा बात तो यह है कि कंपनी की पॉलिसी काफी डिफरेंट है। यहाँ मेहनत और काबिलियत के बल पे प्रमोशन नहीं मिलता है, प्रमोशन मिलता है तो सिर्फ कॉम्प्रोमाइज से। कॉम्प्रोमाइज? किस तरीके का कॉम्प्रोमाइज? छोड़ो तुम नहीं समझोगे। आदित्य क्या हुआ एक बार बताकर तो देखो। तो सुनो,
जो एम्प्लॉय अपनी वाइफ को बॉस के पास एक रात के लिए भेजता है उसका प्रमोशन तुरंत हो जाता है। छी, ये कैसा घटियापन है। इसलिए तो मेरा प्रमोशन नहीं हो रहा है, जबकि आज भी मैंने बात की उनसे प्रमोशन के लिए। बस करो, ऐसी फालतू कंपनी में अब जॉब करने की जरूरत नहीं है। लेकिन सीमा, मेरे सर पे घर का लोन है, अगर जॉब छोड़ दूंगा तो फिर लोन कैसे चुकता करूंगा। तो जॉब चेंज कर लो ना। मतलब तुम भी नहीं चाहती कि मेरा प्रमोशन हो। आदित्य बकवास मत करो, तुम ये कहना चाहते हो कि मैं तुम्हारे बॉस के पास चली जाऊं? शर्म नहीं आ रही तुम्हें? आज के बाद ऐसी घटिया बातें मुझसे करना मत। सीमा सुनो, सीमा तुम गलत क्यों सोच रही हो? सीमा सुनो, मेरा कहने का मतलब वो नहीं था। गॉड, शाम ये फाइल मैंने पढ़ ली है, मिश्रा जी को बोल के बैंक की हिस्ट्री मंगवा लो, फिर हम लोग यहाँ पे टैली कर लेंगे, ठीक है? मैं आ सकता हूँ सर? आ जाओ। शाम मैं तुम्हें बुलाता हूँ। सर मैं रिजाइन देना चाहता हूँ। व्हाट? सर मेरी वाइफ मानने नहीं वाली है, तो इससे पहले कि आप मुझे निकाल दो मैं ही खुद रिजाइन दे देता हूँ। आर यू श्योर? यस सर। ठीक है। एक मिनट, तुम्हारा कहना है कि तुम्हारी बीवी मेरे साथ सोने के लिए राजी नहीं होगी? नहीं सर। और अगर वो मान जाती है तो तुम्हें तो कोई एतराज नहीं? बिल्कुल भी नहीं। तो तुम्हारी और तुम्हारी पत्नी की मुश्किलें थोड़ी आसान किए देता। वो कैसे सर? देखो आदित्य, तुम्हारी पत्नी मेरे साथ सोने के लिए राजी नहीं है, लेकिन कम से कम तुम मुझे उसे बिना कपड़ों के तो दिखा सकते हो ना। ठीक ठीक, क्या बकवास कर रहे हो आप सर? लगता है आपका दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा इस वक्त। सही कहा, मुझे भी लग रहा है कि मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है इस वक्त, और मेरा दिमाग कहीं और से सोच रहा है। वैसे आदित्य, ऑफर बुरा नहीं है, तुम्हारी जॉब भी बची रहेगी और मैं तुम्हें अपनी तरफ से प्रमोशन और दूंगा। सर लेकिन ये सब कैसे पॉसिबल होगा? इसका एक सलूशन है मेरे पास। आदित्य ने अपने गुनाहों की भरपाई करने के लिए अपनी बीवी की इज्जत को दांव पे लगा दिया था। अब वो दो नाव पे सवार था। एक तरफ उसे अपनी प्यारी बीवी सीमा की इज्जत बचानी थी और दूसरी तरफ अपनी नौकरी बचाने के लिए अपने बॉस का ऑर्डर मानना था। और इन सब में बलि चढ़ने वाली थी आदित्य की प्यारी बीवी सीमा की, जिसकी कोई गलती नहीं थी और जिसे इस बात की कोई खबर नहीं थी कि उसका पति आदित्य इतनी बड़ी मुश्किल में पड़ा है। तरुण खन्ना की जिस्मानी जरूरत को देखते हुए ऐसा लग रहा था कि वो आदित्य की बीवी को पाने के लिए किसी भी हद तक गुजर सकता है। क्या आदित्य की बीवी अपने पति की नौकरी बचाने के लिए उसके बॉस के आगे अपने घुटने टेक देगी? आइए देखते हैं आगे की कहानी। अरे अब तुम डरा दिया ना मुझे। अरे और तुम डर गई? बाय द वे, मैं तुम्हारे लिए कुछ सरप्राइज लाया हूँ। सरप्राइज? कैसा सरप्राइज? देखना है। क्या है ये? कैसा लगा? अच्छा है। अच्छा है ना?
तो जाओ चेंज कर लो अभी। हाँ अभी ठीक है आती हूँ। अरे वहां कहाँ जा रही हो, यहाँ चेंज कर लो, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, मुझसे क्या शर्माना। बहुत रोमांटिक हो रहे हो आज। चेंज कर लो। चेंज कर लो मतलब? अरे ये क्या बात हुई? अब मेरा मूड बन गया। अच्छा तरुण सर कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। एक्चुअली उनकी बहुत अर्जेंट मीटिंग थी इसलिए उन्हें जाना पड़ा। तो बातें कैसे हो पाएंगी? कोई बात नहीं, मैंने उन्हें सब कुछ समझा दिया है। तुम फिर से कल से ऑफिस जा सकते हो और तरुण भी सारी पिछली बातों को भूल चुके हैं। थैंक यू सो मच मैम। नैन्सी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे सर से जो बोझ था वो हल्का हो गया। आप बताइए आपका शुक्रिया मैं कैसे अदा करूं? मेरी प्यास बुझाकर? नहीं नहीं नैन्सी जी ये सब गलत है। डोंट वरी मैं तरुण से कुछ भी नहीं कहूंगी, प्रॉमिस, उसे कुछ पता नहीं चलेगा। गुप्त गुनाह के एपिसोड को देखने के लिए चलने वाला ओरिजिनल के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करें।